सुना है बीसीसीआई ने जेड प्लस सिक्योरिटी कर दी ग्राउंड के आसपास। अरे दोनों के दोनों एग्रेसिव आदमी भाई, ईगो क्लैश हो जाती है। आज देखना कोई ना झुकरा, मुक्के बजेंगे आज मैच में। मेरे को तो भाई एक इनसाइड न्यूज भी हाथ लगी है, ये जब लड़ाई झगड़ा होगा ना बहुत भयंकर तरीके से, गौती भाई जाएंगे चुपके से मिचेल स्टार्क की जेब से 25 करोड़ वापस निकाल लेंगे। मैंने भी सुना है भाई जब थप्पड़ बज रहे होंगे ना किसी का ध्यान नहीं होगा इधर उधर, विराट भाई अल्जारी जोसेफ में भी दो रेपटे देने वाले। दिख 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 भाई गौती ग्राउंड में आ गया स्ट्रेटेजिक ब्रेक में, जेब में हथियार है भाई इसके पक्की बात। अरे हाँ विराट भाई ने भी हेलमेट निकाल लिया, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। सभी को गला दबा के गले मिलता क्या, छोड़ रहे सत्यानाश कर दिया। अच्छा भला मजा आ रहा था, हड्डी वड्डी तोड़ देता कुछ मजा आता, कुश्ती उस्ती देखने मिलती, बस बीच में अपनी टांग अड़ा दी। अरे तुम लोगों को क्या लगा था विराट दो चाटे गौती में मारेगा, गौती दो चाटे विराट में मारेगा, कुछ नहीं होता भाई ऐसा। लास्ट में एक ही लोग पिटाते हैं आरसीबी के बॉलर। अगर आप लोगों को यही हिंसा देखना पसंद है तो व्हाट्स बेटर देना, हर मैच में हमें पिटते हुए देखो, फ्री नो चार्जेस ओनली प्योर एंटरटेनमेंट। विराट भाई और गौतम गंभीर को साथ में देख के इतनी खुशी हो रही है, चेहरे पर नहीं दिख रही है पर बहुत हो रही है। वैसे देवियों और सज्जनों जब विराट कोहली और गौतम गंभीर एक दूसरे के गले मिले तो क्या बात हुई होगी भाई। हाँ ऑप्शन ए, इस साल रोहित हार्दिक की कंट्रोवर्सी चलने देते हैं, अपन अपनी अगले साल देख लेंगे। ऑप्शन बी, मैं तो कहता हूँ अब दोनों मिलके नवीन उलक को पेल देते हैं। ऑप्शन सी, भाई मैं तो वैसे ही मिचेल स्टार्क को मार मार के थक गया हूँ यार, अब नहीं लड़ना। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। माहौल तो ऐसा बना दिया था भाई साहब जैसे कोई मूवी आने वाली हो। टीवी पर प्रोमो ऐसे चल रहे थे, गौती भाई का चेहरा जूम करके फिर पीछे वाइड एंगल कैमरा दिखा के विराट भाई ऐसे बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे, बैट दिखा रहे, सिनेमैटिक शॉट्स चल रहे थे भाई साहब मैच के पहले। केकेआर अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर रहा था क्रिकेट इमेजेस दैट हिट हार्ड, और एलएसजी वाले इतने खुश होकर ट्वीट कर रहे थे कि लास्ट ईयर सारा हाइप हम ही ने ले लिया, इनको कुछ ना मिला। हमने तो पहले ही बोला था कि कुछ नहीं था। और गौती भाई ने मैच स्टार्ट होने से पहले जो इंटरव्यू में बोला था ना उसके बाद तो ऐसे लग रहा था कि आज तो दे थप्पड़ दे घुस। गौती भाई ने इंटरव्यू में बोला अगर मैं अपने करियर में कुछ करना चाहता हूँ तो वो है आरसीबी को एक बार फिर से हराना, क्योंकि ये टीम ने आज तक कुछ जीता नहीं है पर एटीट्यूड ऐसा जैसे दुनिया जीत रखी हो। ये पूरे इंटरव्यू का सीन अगर तुमको देखना है तो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है, तना 100 डालना टेलीग्राम पर तब भी आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक जा उससे भी देख सकते हो। इतना सब हाइप अप हुआ, गरम माहौल बना, गौती भाई आए ग्राउंड में, गिली पप्पी ली विराट भाई की, गले मिले और मिचेल स्टार्क को गाली दे के चले गए। मुझे तो ये लड़ाई झगड़े में बिलीव ही नहीं है, ना किसी से लफड़ा ना किसी से फाइट, 9 बजे डिनर 10:30 गुड नाइट। टॉस हुआ, केकेआर ने टॉस जीता, अय्यर भाई ने बोला वी विल बॉल फर्स्ट, और यही लास्ट चीज थी जो कि अय्यर भाई को याद थी, क्योंकि इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि व्हाट इज योर प्लेइंग 11 अय्यर भाई भूल ही गए, उन्होंने बोला मुझे याद नहीं है भाई, मुझे तो दो दो पेजेस दे दिए किसी ने प्लेइंग 11 के। दो पेजेस दे दिए किसने दे दिए अय्यर भाई, कैप्टन तो आप ही हो, शाहरुख भाई जवान मूवी की स्क्रिप्ट दे गए क्या दूसरे पेपर में? मैं शायद वही दूसरे वाले पेज में रह गया इसलिए मुझे प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया। नीतीश राणा भाई 600 रन बनाने वाले थे, अब टीम में जगह ही नहीं मिल रही, इनको पृथ्वी शॉ बना दिया केकेआर का। मैच शुरू होने से पहले लग रहा था गौती भाई ने चीकू भैया को स्लैच कर दिया चौका मार बोल के। चौका मारना चौका क्या कर रहा है ए कोई, क्योंकि पहली ही बॉल से शुरू हो गए चीकू भैया, बोले आज हम वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में करेंगे। उधर हमारे फाफ डुप्लेसिस भाई का जैसे ही विकेट गया और उन्हें पता चला कि मेरा विकेट हर्षित राणा ने लिया है, वो उसे बोल्ट बन के पवेलियन की साइड भागे कि आदमी पकड़ के चुम्मी ना ले ले भाई। हर्षित राणा ने ऑलमोस्ट मैक्सवेल का भी विकेट ले लिया था अगर कैच ड्रॉप ना हुआ रहता। अकेले अकेले तुमको मैक्सवेल की पप्पी नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। और ये 25 करोड़ का मिचेल स्टार्क जो कि हर मैच में 50 रन दे रहा है, इसको बता रहा हूँ भाई मैं सुधर जाए वरना गौती भाई पर्सनल ट्रिक। स्टार्ट हुई, चीकू भैया हमारे केला खा ही रहे थे कि उतने में सुनील नारायण ने इनको भोजन करा दिया। इतना मारा है 56 रन्स मार दिए 5 ओवर में, और गौती भाई ये देख के इतना खुश हुए कुछ ज्यादा ही खुश हुए। क्यों नहीं हो रहा सब्सक्राइब, रोज वीडियो देखते हैं सब पर 50% लोगों ने ही सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो पॉज करके पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर लो। जैसे वरुण चक्रवर्ती हमारे मिस्ट्री बॉलर है, रजत पाटीदार मिस्ट्री बैट्समैन है भाई, आज तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये रन्स बनाएंगे कब। आरसीबी की बॉलिंग देख के मुझे लग रहा है इनको एक ही बॉलर बचा सकता है संकट से, क्योंकि सिराज भाई के तो 3 ओवर्स के रन देख के फैंस यही बोल रहे थे
ये एक जन्म के हैं। भाई तुम्हारा मिचेल स्टार्क जो 25 करोड़ में करता है वो मैं सिर्फ 11 करोड़ में कर देता हूँ। आरसीबी का पैसा बचाने का घमंड है। इस सुनील नरेन का मेरे को लगता है भाई विजय माल्या थोड़ा बहुत पैसा लेके भाग गया। सुनील नरेन आरसीबी के पीछे ही पड़ा हुआ है भाई कई सालों से, और आरसीबी की बॉलिंग इतनी घटिया है कि सुनील नारायण का विकेट लेने के बाद भी सेलिब्रेट कर रहे थे गला फाड़ फाड़। गंभीर भाई उधर से हंस के बोले, सॉरी गंभीर भाई तो हंसते ही है, गंभीर भाई बोले किसका विकेट सेलिब्रेट कर रहे हो, वो तो बैट्समैन भी नहीं है, उसको तो हम ट्रायल बॉल खेलने के लिए भेजते हैं भाई की पिच विच देख के जरा कैसी। रिंकू से बचने का एक ही तरीका है, उसकी बैटिंग आने से पहले ही रन्स बनवा दो। मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्ड मॉडर्न सॉल्यूशन। नो वन मिचेल स्टार्क टू यश दया, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो गए हो। स्टार्क भाई लेफ्ट आर्म पेसर्स के लिए तो आप ही भगवान हो ना, आप ही को फॉलो कर रहे हैं। 10 किलो कैच पकड़ लो, जोर से प्रेशर आया है भाई। ये सच में ऐसा लग रहा था ना उस टाइम पे मैक्सवेल पवेलियन जाना चाह रहा है, पर ये लोग पवेलियन भेजना नहीं चाह रहे उसको, बेचारे को प्रेशर वेशर लगा हुआ, 3 कैच छोड़े उसके। मेरे को लग रहा था एंड में हिट विकेट ही हो जाएगा। तुम जाने दो यार, आरसीबी वर्सेस केकेआर क्यों नहीं हो रही लड़ाई, हाँ? क्यों नहीं हो रही, करो यार, हमें तो लग रहा था वीकेंड से पहले कुछ मसाला मिलेगा। केकेआर बैटर्स टू आरसीबी बॉल। भाई मैं जयशा भाई के चेहरे पर गौतम गंभीर का फेस इमेजिन करने लग रहा हूँ, इसमें ज्यादा हंसी आ रही है। आरसीबी बैटिंग लाइनअप, आरसीबी बॉलिंग लाइनअप, वेरी नाइस ब्रो। नाइस ऑरेंज कैप विराट, जा अब बाउंड्री से बॉल उठा के ला। अरे नरेन भाई जो भी पैसा विजय माल्या ले गया है वो विराट भाई को बोल दो, वो सेटलमेंट करके थोड़ा रफा दफा करो यार, मामला हर साल का हो गया तुम्हारा। आरसीबी वुमेन्स टीम, आरसीबी मेंस टीम भाई पैर रख रखा है यहाँ पे। मैच हारते तो मुझे गाली मिलती है, तो फिर भी ठीक है, मैं तो सांस भी लेता हूँ तो गाली पड़ती है। अभी तो हार्दिक भाई का एक नया सीन चालू हो गया भाई लसित मलिंगा के साथ, वो वीडियो तुमने देखा होगा कितना वायरल हो रहा है। मलिंगा भाई बैठे रहते हैं, ये आते हैं वहाँ पे, मलिंगा जी उठ के चले जाते हैं, ये उनकी सीट पे बैठ जाते हैं। और एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें मलिंगा गले मिलते हैं और ये यूं कर देता हार्दिक पांड्या मलिंगे, तो वो देखते हैं भाई अब क्या होता है, जब मैच होगा तभी पता चलेगा नेक्स्ट वाले में। आरसीबी में तुम क्या चेंजेस देखना चाहते हो नेक्स्ट मैच? अलाउ वुमेन प्लेयर्स में, भाई आरसीबी में कुछ ऐसे प्लेयर्स है जिनको सच में वुमेन प्लेयर रिप्लेस कर सकती है, नाम नहीं लूंगा बट ऐसे। जयशा प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का, अरे यार ये वाला चीज थोड़ी चाहिए था। आरसीबी फैंस सुबह उठा के बता देना आरसीबी कितने रन से जीती, 150 रन से जीती है भाई, नेट रन रेट 10 के ऊपर चले गया। सुनील नरेन हैंग्स भाई फील्डिंग, भाई पूरा पूरा प्रॉपर कैच पकड़ के छोड़ रहा है बंदा। रिंकू सिंह को देख के बॉलिंग करना भूल जाता हूँ, जयेश दयाल भाई सबने बहुत लड़ाई करी है मुरली कार्तिक से। केकेआर फील्डिंग टुडे, देखो गंदी फील्डिंग तो बहुत करी पर इतनी भी नहीं, कौन बोला? सुनील नरेन अंडर गौतम गंभीर कोचिंग, क्विज खेल, सच में भाई पता नहीं इसको गौती भाई से डर लगता है या गौती भाई की कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट करता है, जैसे ही उनके कोच बनते हैं खेलाई चालू। भाई शायद इनिंग्स ब्रेक में पिच चेंज कर दी, ये पिच तो स्लो थी भाई, इस पे इतने मीम्स बन रहे हैं, स्लो पिच स्लो पिच स्लो पिच, कल ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा था क्योंकि विराट भाई ने फर्स्ट इनिंग से बात बोल दिया भाई पिच थोड़ी सी स्लो थी, इसके बाद तुमने केकेआर की बैटिंग देखी तो सब बोलने लगे कि ये कैसी स्लो पिच है भाई। दिस इज नॉट अ राइवलरी, दे विल ऑलवेज की कवर है आरसीबी ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट राइवलरी विद केकेआर। भड़काऊ न्यूज स्टाइल में मीम्स कैसे बनने लगे भाई आजकल, और रुकवा दी पापा भाई, ये वो ध्रुव राठी वाला याद आया था यार मेरे को, पापा रुकवा दी पापा वाला मीम इतना वायरल चल रहा है भाई, वो एड ही इतना वायरल हो गया। मैंने कहा था ना कैसी भी सिचुएशन हो जयेश राज जी स्क्रिप्ट ले आएंगे, पिच फास्ट करवा दी पापा, ये देखो इसकी बात कर रहा था। आरसीबी इज द रीजन व्हाई इंडिया इज एट 126 पोजीशन इन द हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशी नहीं मिल पा रही लोग कारण भाई साहब। इस बार आईपीएल में सिर्फ टीम्स होम ग्राउंड पर जीत रही है आरसीबी, ऐसा जरूरी नहीं है, आरसीबी ने 8 मैचेस की स्ट्रिक तोड़ दी भाई, चूना लगा दिया चूना, और हंसता रहता भाई ये मार खा करके खूब बंदा। खैर आज के वीडियो के लिए बाकी दवाई मचाते रहो, सब लोग करते रहो, और इस भाई को मत भूल जाना, स्टेक का लिंक भी मैंने कमेंट में दिया, जाके चेकआउट कर।